ये देखिए, क्या बोलते हैं, डॉक्टर की हो सकती है ठीक, नहीं होगी ठीक। पर मेरे पास पैसे नहीं, गरीब है। अच्छा मैं छीनने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, दे दो फोन दे दो। बैठने जो कमरा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हाथ जोड़ी कर मेरे बच्चे ने, कुछ क्या इमदाद कर सारे लोग। देखो यार, 17 साल की बच्ची की कंडीशन इस तरह से होना, एक माँ बाप तो चलो साथ दे ही रहे हैं, उनके पापा जो एक दिहाड़ीदार बंदे हैं जो दिन में कुछ कमाएंगे तभी कुछ रात को खाएंगे, और अभी ये सुनाई नहीं दे रहा इनको कुछ भी, क्योंकि इनके कान जो है, इनको कानों में दिक्कत है, और इनकी माता जी है, और बच्ची की कंडीशन तो आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरह से बच्ची की कंडीशन है। उल्टी सीधी हरकतें करना, भाग जाना, अपने मम्मी पापा को ऐसे मारने की कोशिश करना, किसी भी चीज से मारने की कोशिश करना, हाथ उठाना, अभी सिर से अपने पापा को किस तरह से बच्ची मार रही थी, तो ढेर सारी ऐसी चीजें जो बच्ची अपने कंट्रोल में नहीं है। और लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि हमारी एक बहन थी, शिल्पा नाम की लड़की थी, उसकी कंडीशन थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता था, वो एक मंदबुद्धि थी और उसकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी थी, उसके साथ तो उसकी मतलब फैमिली भी खड़ी नहीं थी, अच्छे तरीके से केयर नहीं मिल पा रही थी, बट इसके माता पिता एटलीस्ट इसके साथ हैं, बट फिर भी गाइस देखो बहुत ही मुश्किल आती है। अब देखो फोन पकड़ लिया है और फोन पे किस तरह की हरकतें बच्ची कर रही है, ये देखिए बिल्कुल फोन पकड़ के गाने लगाए हुए हैं अभी। बस आके कह रहे हैं सर, बोला और क्या खाना, खाना कितने टाइम खाती है, कितना टाइम नहीं, पसंद आ गया तो चांदी के दो बार, बस पसंद आना चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी चीजें मांगती है, तो कैसे आप कमाते क्या हो, इनकम सोर्स क्या, किस तरह से मतलब दिहाड़ी वगैरह पैसे कहाँ से कमाते हो आप? गारंटी लागी ना, गारंटी योजना से कमाते थे, बाकी कुछ नहीं कमाते, गारंटी योजना पे है ना, बाकी सरकार से होता है पेंशन लागी ठंडी वो। अच्छा ये बच्ची को है ना, नहीं हम आम को भी, किस चीज की आपको? मैं नजर काम है ना, उस चीज की पेंशन लगती है। अच्छा उम्र क्या होगी आपकी दोनों की? उम्र क्या होती है ना, उम्र हाँ उम्र 53 साल। 53 साल आपकी क्या हुई? 43 43। फिर क्या होगा, एड इच्छा थी पाग पैके होगा लड़के लगोगी। अच्छा कब से आपकी बच्ची ऐसी, जब पैदा हुई थी तब से या बाद में कुछ? बाद में हुई है। वो कैसे? जब 3-4 साल रही थी ना, तब बात थोड़ी थोड़ी बात करती थी, उसके बाद फिर ऐसे हो गई। मतलब क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कुछ ऐसा ऐसी चीज हुई थी जिससे मतलब हुई। कोई लगी थी बच्ची, गिरी थी, अपनी मर्जी थी। 3-4 साल के बाद कितना टाइम हो गया आपको दवाइयां खिलाते इसको? अरे के 10 साल है ना, तब के 14 साल है ना, उसी टाइम आप शुरू कर देते इलाज करवाना जब पता चला था तो शायद, है ना। चाय पिला चाय, मोबाइल में क्यों रहते? अच्छा बस अब फोन के साथ ही खेलना है। रात ही लागी तेरी कम होती ना, दे बाबा का मिल गया ठहर का भी सुनाओ भाई गाने। हाँ नाचते भी हो आप, नाचते भी हो आप। देखो गाइस आज ये बेटी 17 साल की और कुछ भी पता नहीं, एक मेंटल हेल्थ खराब है, दवाइयाँ ट्रीटमेंट भी चला है बट उस हिसाब से उस लेवल का ट्रीटमेंट आज तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक गरीब फैमिली है, एक गरीब परिवार कहाँ जाएगा, किस तरीके से करेगा। हमें तो जब चंबा में ही दिखे थे, लड़की को बांध के रखा था, मुझे किसी ने बताया और इनकी माताजी ने बोला, फिर तब जाके गए इनकी कंडीशन का पता चला, और सच में यार बहुत दुख हुआ सुन के। और जब बच्ची 4 साल की थी, ज्योति 4 साल की थी, तब से गए इस ज्योति को इस तरह की कंडीशन हुई है, बचपन से ही पैदा होते नहीं था ऐसा कुछ भी। देखो कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम इंसान के साथ, पता नहीं होता इस लाइफ का। और फोन दे दो, अच्छा मैं छीनने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, दे दो फोन दे दो।
तीन तीन ही लोग है ना आप, एक और लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, तो उसका खर्चा कैसे पूरा करते हो जी? अच्छा कोई और करता है ना, कोई और पढ़ा रहा है आपकी बच्ची को? अच्छा करी थे तुम ऐसे अमी के कहा था मैं पटिया आती हूँ यूरी बैठे जी कहते चाल चांद कहते चाहोगे नहीं थी ना तो कहते डाल के चांद आप। अच्छा अंतर हाँ मैं तो अंदर बांध के रखते हैं जब ये काम करने जाते हैं, आपको पता है गांव की लाइफ कैसी है, तो जब भी काम करने जाना होता है तो उस ज्योति को अंदर इस बंद कमरे में रखा जाता है और ये खुद काम करने के लिए जाते हैं। अभी तो खैर थोड़ी सी बड़ी होगी, जब ये छोटी थी तब क्या तब भी वैसे ही करते थे आप? कंडीशन देख सकती हूँ, एक माँ को ही अपने बच्चे का दर्द महसूस होता है, एक माँ के अलावा और कोई नहीं समझता कि उसके बच्चे को दर्द है, तो एक माँ को ही करना पड़ता है सब कुछ, चाहे जिस कंडीशन में करे, चाहे जेब में पैसे हों या नहीं हों। और जब बाहर भी ये लोग जाते हैं तो लड़की को या तो बांध के रखना पड़ता है, जब काम करने जाना तो अंदर घर पे बांध के रखना पड़ता है, जब बाहर कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो उसको बांध के रखना पड़ता है। अब इधर उधर ढेर सारी चीज़ें होती, गाड़ियाँ गाड़ी के नीचे जाने का खतरा होता है। और क्या बोलना चाहोगे आप? और बस हाथ जोड़ कर मेरे बच्चे ने कुछ क्या इमदाद कर सारे लोग के मोह के अलियाज ने कर अलियाज करा प्राइवेट कर एक बार प्राइवेट दिखाऊं क्योंकि मेरी हेल्प कोई नहीं कर दे, और कोई नहीं कदर कर दे, रोटी भी खिलाई नहीं सकती, चीज भी खिलाई नहीं सकती। क्या बोलते हैं डॉक्टर की हो सकती है ठीक? नहीं होगी ठीक? की थी आपने खुद बात? बोलो ये नहीं बन सकती ना, ये गुस्सा कर दी ना से काम रहे ना दवाई काम बाकी नहीं हो सकती ठीक। एक बार प्राइवेट को दवानी थी ना दिखाने की, प्राइवेट वाले क्या बोलते? अरे आपने सरकारी ट्रीटमेंट चलाया अभी तक, एक बार प्राइवेट भी दिखाना चाहते हो तो बुरा नहीं लगता आपको कि आपकी बच्ची इस कंडीशन में इस हालत में? बुरा भी लगता है, क्या करना जी। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहती कि मैं एक बार और पेट दिखाने ना प्राइवेट को पर मेरे पास पैसे नहीं, गरीब है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हो, हमने देखा हो आपने बच्ची को बांध के भी रखा था, बैठने जो कमरा नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता। फिर कहाँ सोते हो आप? फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ऐसे ही सो जाते हो, कहीं पे भी जगह मिल जाए ना? हाँ जी। तो खाना वगैरह पैसे उतने रखे होते हैं या फिर कैसे क्या करते हो, मैनेज करते हो आप? उठे कुड़ी जो दे देंगे लोग, लोग दे देते हैं। आपकी हालत देख के जब आप बैठते हो है ना? हाँ जी। देखो गाइस लोगों के पब्लिक के भरोसे यहाँ से निकलते हैं, जेब में एक पैसा तक नहीं होता है, दवाइयाँ बच्ची की फ्री हैं, बच्ची का कोई किराया नहीं लगता है, बस इनकी माताजी को चाहिए होते हैं 200-250 रुपये जो बस किराया लगता है यहाँ से। और जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं पे भी, वैसे चंबा से ये ट्रीटमेंट चलाते हैं अपना मेडिकल हॉस्पिटल चंबा, तो जब वो बाहर जाते हैं तो लोग गाइस इनकी मदद करते हैं, इनके अपने पास कोई एक पैसा तक नहीं होता है। और बच्ची की कंडीशन ऐसी है कि बच्ची को बांध के रखना पड़ता है बाहर भी घर पे भी, क्योंकि टिकती नहीं है ना एक जगह। बच्ची के पास फोन है, ये देखो बस फोन के साथ खेलना है इसने। बस यही हटा रहे लागे रहते ना, फिर मोड़ खराब हो लाग भी जाते। इस एंड में इस बच्ची की कंडीशन देख के यही बोलना चाहूंगा कि देखो इतना बड़ा गांव है ना ये, जब हम आए यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है,
और मेन तीसा नाम की जगह है ये, आपके गांव का नाम क्या पड़ता है, तीसा ही बोलते हैं, नाल, नाल, तीसा नाल, तीसा ही रख लो। इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा एरिया है, देखो यहाँ के आसपास के लोग भी अगर अपने आर्थिक मदद करेंगे ना, इनके घर भी आएंगे, क्या है आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपका, घर भी आएंगे, इनको 500,000 की मदद कर देंगे, जो भी पैसे इकट्ठे होंगे अगर प्रभु ने चाहा, इन सभी लोगों ने चाहा तो होंगे, तो आपने संभाल के रखने हैं, फिर देखते हैं बच्चे को कहीं अच्छी जगह भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप सभी का साथ चाहिए, जितने भी चुरा के लोग हैं यहाँ आसपास के लोग हैं, बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा एरिया, और हमारा चुरा ही बहुत बड़ा है, बाकी का इंसानियत रही इस दुनिया में बहुत ही अच्छे इंसान भी है, करना इस बच्ची के लिए कुछ करेंगे, बाकी का अपडेट देता रहूँगा मैं। स्पेशली आज इस बहन के लिए मैं आया था यहाँ पे, लास्ट टाइम मेरे से देखा नहीं गया यार, देखो बांध के रखा था, इनकी टांगे बांधी हुई थी ग्राउंड में, सभी लोग देख रहे थे, और इनकी कंडीशन को देख के ही लोग इनको पैसे देते हैं, इनको पैसे देते हैं ताकि चलो अपना कुछ खा पी लें। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू सो मच, किसी की मदद करोगे तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। जय माता दी।